पिछले वाले वीडियो में आपने बात की थी, उसी रूल्स के हिसाब से हमने कुछ चार्ट देखे, उसके अंदर 1 2 3 4 5 आपने जो रूल्स बताए थे उसी हिसाब से चल रहे थे। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी देखा हमने सर कि वेव 4 जो है वो वेव 1 के एरिया में आने के बाद फिर भी ऊपर चली गई, तो यह कैसे मुमकिन है? इन सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में है। तो मैं हूं आपका दोस्त वीएम और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मार्केट सीक्रेट सीरीज पार्ट 7 आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वेरीफाइड मार्केट वेव्स के जरिए। देखो दोस्तों, वहां पे हमने जो बात की थी ना वो मोटी वेव 1 वेव थी, और आज यहाँ पे हम जा रहे हैं डायगनल की ओर। डायगनल के दो टाइप्स है, लीडिंग डायगनल एंडिंग डायगनल। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे लीडिंग डायगनल, लीडिंग डायगनल कैसा दिखता है और चार्ट के ऊपर उसके बेस पे कैसे काम करते हैं उसकी चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अपने सीट के ऊपर और वहां पे देखते हैं स्लाइड के अंदर कि किस तरीके से हमें किस ढंग से काम करना है। तो पहले देख लेते हैं बुलिश लीडिंग डायगनल। यहाँ पे मान लो कि कोई मार्केट गिर रहा था और अचानक से ऊपर एक वेव दे दी और उसके बाद आई वेव 2, इतना हो गया। आपको लग रहा है कि ये 1 वेव बना रहा है, लेकिन हुआ यूं कि तीसरी वेव आने के बाद आपको देखने को मिला कि फोर्थ वेव जो है वो वेव 1 के एरिया में आ गई, मतलब उसके हाई के नीचे आ गई, मतलब 1 का जो एरिया था उसके बीच में आ गई। तो यहाँ पे रूल्स ब्रेक हो गया। ओके, यहां से आपका दूसरा पैटर्न स्टार्ट होता है लीडिंग डायगनल। ये रूल्स ब्रेक हुआ है मतलब 1 वेव नहीं बन रही है, यहाँ पे कुछ और बन रहा है। ओके, तो लीडिंग डायगनल का पहला रूल्स, आपका जो फोर्थ वेव है वो वेव 1 के एरिया में अंदर आ जाएगा, लेकिन वेव 2 के लो को नहीं काटेगा। वेव 1 के एरिया के अंदर आ जाएगी फोर्थ वेव, लेकिन 2 का जो लो है उस लो के नीचे नहीं आएगा। ओके, उसके बाद बनेगा वेव 5। इस केस में अगर आप देखने जाओगे तो वेव 1, वेव 3 और वेव 5, ये तीनों वेव लगभग सेम टू सेम रहेगी। मतलब वेव 1 10 पॉइंट की है तो 3 भी 10 पॉइंट की होगी, 5 भी 10 पॉइंट की होगी, उसके आसपास। ठीक है, ओके, ऐसा हो सकता है कि वेव 1 8 पॉइंट की है, वेव 3 10 पॉइंट की है, वेव 5 जो है वो फिर से 9 पॉइंट की है, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन लगभग उसके आसपास ही रहेगा। मतलब सेम टू सेम रहेगी तीनों की तीनों वेव। ऐसा भी जरूरी नहीं कि तीनों वेव सेम ही रहे, कभी कभार ऐसा भी होता है कि वेव 3 जो है वो बढ़ भी जाती है, क्योंकि एक्सटेंड हो जाएगी कोई वेव तो वो बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो, जैसे ही आपको गिरते हुए मार्केट में इस तरीके का पैटर्न मिला जिसमें 5 लेग थी, 1 2 3 4 5, इसको भी लेबलिंग किया जाता है 1 2 3 4 5 से। यहाँ पे आपको तुरंत ही एक ट्रेंड लाइन लगाना है 1 2 को जोड़ता हुआ, जो ज्यादातर केस में 1 2 1 का जो 0 0 है, 0 2 और 4 तीनों को जोड़ता हुआ एक ट्रेंड लाइन लगाना है, और ऊपर की ओर 1 3 और 5 को जोड़ता हुआ, 1 और 3 को जोड़ता हुआ ट्रेंड लाइन लगाओ, फिर कभी कभार एक्सटेंड होती है। ओके, इस तरीके का आपको जब भी पैटर्न देख तो इसको बोला जाता है लीडिंग डायगनल। लेकिन ये कब आएगा? या तो गिरते हुए मार्केट में आएगा या तो बढ़ते हुए मार्केट में आएगा। ओके, बढ़ते हुए मार्केट में आगे चर्चा करते हैं, अभी पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये बुलिश लीडिंग डायगनल है। यहाँ पे आपको इस तरीके का पैटर्न दिखेगा। ओके, इसको वॉल्फ वेव भी बोला जाता है। यहाँ पे अगर आप 1 और 4, 1 का हाई और 4 का लो दोनों को जोड़ दोगे तो एक ट्रेंड लाइन मिलेगा, इसी को वॉल्फ वेव बोलते हैं। ओके, अब आपको ये 1 2 3 4 5 जो मिला है ना उसका करेक्शन दिखेगा। यहाँ पे कहाँ तक आएगा? 1 और 4 को जोड़ती हुई जो ट्रेंड लाइन है वहां तक आएगा, और उसके बाद जो है वो आपका मार्केट
ऊपर की ओर चला जाएगा और फोर्सफुली जाएगा, इसको वेज भी बोला जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न चार्ट पे दिखेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बियरिश लीडिंग डायगोनल लेने जाए तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। कोई चलता हुआ मार्केट होगा अपसाइड की ओर, उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, जैसे ही ये मिल गया आपको 0, 2 दोनों को जोड़ती हुई एक ट्रेंड लाइन लगा देनी है, 1 और 3 को जोड़ती हुई एक ट्रेंड लाइन लगा देनी है। इसके बाद आपको 1 और 4, 1 का लो और 4 का हाई दोनों को जोड़ती हुई एक ट्रेंड लाइन लगा देनी। ओके, आपको पता चल जाएगा कि ये जो 5 लेग लगी है उसका करेक्शन कहाँ पे होगा, इस ट्रेंड लाइन तक का होगा। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के आसपास आया आप सेलिंग साइड देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया वाला आपको मूव मिलेगा नीचे की से। ओके, तो इस तरीके से लीडिंग डायगोनल जो है वो आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। ये बियरिश था, पिछले वाला जो था वो बुलिश था। ओके, इसका फॉर्मेशन तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर किस तरीके का दिखेगा आपको। ओके, ये देखो जिस तरीके से ये जा रहा है ना, बुलिश ले लेते हैं पहले, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इसमें होगा क्या, ये जो आपकी वेव्स आ रही है, सभी की सभी वेव्स जो आपको दिख रही है उसके अंदर आपको यहाँ पे 3 वेव दिखेगी, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। इस तरीके से ये पूरा डायगोनल बनेगा। अगर अवली पे आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है और आप 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे जाओगे ना, तो बीच बीच में आपको ऐसा दिखेगा, 3-3 वेव का समूह होगा इसके अंदर। इसकी फर्स्ट लेग के अंदर 3 वेव होगी, सेकंड लेग के अंदर 3 वेव होगी, तीसरी लेग के अंदर भी 3 लेग होगी, चौथी वेव उसके अंदर भी 3 लेग होगी और 5वीं वेव जो आएगी उसके अंदर भी 3 लेग होगी। मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा 3, 3, 3, 3, 3। ओके, मतलब पांचों की पांचों वेव के अंदर 3-3 का स्ट्रक्चर आएगा। ओके, अब दिखेगा किस तरीके का, देखो ये जो लीडिंग डायगोनल है ना वो आपको किस, यहां से मैं पहले ये हटा देता हूं। ओके, लीडिंग डायगोनल कितने टाइप का दिखता है, एक तो देखो मैंने आपको जो सिंपल दिखाया है ना उसी टाइप का दिखता है ये वाला। ओके, गिरते हुए मार्केट में आएगा। ओके, दूसरा कुछ इस तरीके से भी दिखता है कभी कभार। ओके, तीसरा आपको ऐसे भी दिख सकता है। ओके, आपको कुछ इस तरीके से भी दिख सकता है वो। ओके, इसमें क्या होगा, आपका वेज बनेगा। तो हर केस के अंदर आपको लीडिंग डायगोनल जो है वो 5 लेग में मिलेगी, 5 लेग खत्म होने के बाद उसका करेक्शन होगा और करेक्शन होने के बाद जो 5 लेग का जो ट्रेंड था उसी दिशा में आगे बढ़ जाए। ओके, यहाँ पे ज्यादातर लोगों से गलती यही होती है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये ट्रेंड लाइन थी, ओके यहाँ पे बनाए लीडिंग डायगोनल और करेक्शन आया तो ये ट्रेंड लाइन कट गई। अब आपको लगा कि ये ट्रेंड लाइन कटने के बाद तो ये ब्रेकडाउन हो गया, अब तो ये लो के नीचे जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो तो ये वाली ट्रेंड लाइन के पास आता है और वहीं से बड़ा वाला जो अप ट्रेंड है वो स्टार्ट कर देता है। ओके, तो ये होता है लीडिंग डायगोनल। इसके बेस पे आप जब भी काम करोगे तो आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए कि ये 5 लेग किस तरीके के लगे हो। ओके, इसके अंदर एक और भी पैटर्न मैंने जोड़ दिया, वॉल्फ वेव। तो वॉल्फ वेव जो है वो भी इसी पैटर्न का एक जरिया है, वही यही पैटर्न है, बस उसको थोड़ा अलग तरीके से नाम दिया हुआ है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, दिखते कहाँ पे है सर,
हमने ये तो बात कर ली कि ये लीडिंग डायगोनल है, लेकिन दिखते कहाँ पे? तो देखो ये अपना जो कंप्लीट साइकिल रहेगा ना 1 2 3 4 5 ए बी सी, उसके अंदर ज्यादातर केस में पहले तो आपको वेव वन में दिखेगा। ओके, वेव वन में कुछ इस तरीके से होगा, देखो 1 2 3 4 5। ओके, या फिर एक अपना जो करेक्शन का पहला पार्ट है जो इंपल्स है काउंटर ट्रेंड का, वहां पे दिखेगा ये वाले ए के अंदर कुछ इस तरीके से। ओके, ये बात हो गई हमारी लीडिंग डायगोनल की, जो पहली वेव में दिखता है या ए वेव में दिखता है। कुछ इसी तरीके से अगर मान लो कि बियरिश मार्केट हो तो बियरिश मार्केट में भी आपको कहां पे मिलेगा? वन पे मिलेगा या तो ए में मिलेगा। समझ में आई बात? तो इस हिसाब से आपको ये पूरा लीडिंग डायगोनल जो है वो देखना है, और वीडियो को बार बार देखिए ताकि समझ में आए कि मैं क्या यहाँ पे रूल्स बता रहा हूँ, किस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चार्ट पे ये सब फाइंड आउट करोगे ना तो आपको मिलेगा, पक्की बात है। ओके, तो चलिए आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जब भी लीडिंग डायगोनल का 5 लेग लगता है तो उसके बाद करेक्शन आता है कि नहीं आता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।